दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज से भारतीय भूगोल की श्रृंखला स्रिंकल, दोस्तों इसमें मैं पूरा भूगोल कवर करूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड और कोई भी टॉपिक कोई भी चीज़ अछूता नहीं रह जाएगा तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ यह है भारतीय भूगोल इसमें हम ये जानेंगे भारत की स्थिति विस्तार भारत वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है और भी बहुत कुछ इसमें हम जानेंगे आइए देखते हैं स्टार्ट करते हैं ये हमारा भारत का मैप है आइए थोड़ा सा मैप के बारे में जान लेते हैं ये हमारा भारत का मैप है इसमें जब हम किसी भी मैप को लोकेट करते हैं तो भारत का ये मैप है हम बुक में जब स्टार्ट देखना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की ओर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है ऊपर की ओर हमारा उत्तर रहेगा यहाँ पे दक्षिण ये ईस्ट और ये वेस्ट ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर जे एंड के है यहाँ पे हम सब जानते हैं जे एंड के है ये हिमाचल प्रदेश ये पंजाब उत्तराखंड नेपाल भूटान ये हमारे पड़ोसी देश हो गए यहाँ पे ये यह है हमारा यूपी थोड़ा सा स्टेट के बारे में देख लेते हैं ज़्यादा नहीं बाद में डिस्कस करूँगा इनके बारे में ये हमारा राजस्थान हो गया ये गुजरात है और ये हरियाणा हो गया ये बीच में जो छोटा सा दिख रहा है ये दिल्ली है ये हमारा मध्य प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश ये कर्नाटका केरल तमिलनाडु और ये बिहार झारखंड ये वेस्ट बंगाल हमारा ये सिक्किम है छोटा सा ऊपर ये सिक्किम है यहाँ पे आइए इधर चलते हैं ईस्टर्न साइड में सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश ये वाला पोर्शन आसाम का है ये आसाम का पोर्शन हो गया फिर इसमें देखते हैं ये हुआ हमारा नागालैंड मणिपुर मिजोरम और ये त्रिपुरा ये हो गए हमारे दोस्तों स्टेट्स के बारे में अब हम भारत की स्थिति देखेंगे कि मैप में हमारी स्थिति है कहाँ उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अक्षांश और दिशांतर रेखाओं के बारे में साइंटिस्टों ने क्या किया कि, कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लोकेट करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कि, कि, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को किसी uh, किसी भी जैसे हमारी इंडिया को ही ले लीजिए इंडिया को लोकेट करने के लिए उसने क्या किया वैज्ञानिकों ने साइंटिस्टों ने पृथ्वी को कई भागों में डिवाइड किया इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है अर्थ को बीस बीच से डिवाइड कर दिया ये बीच से जो डिवाइड किया ये हमारा हो गया रेखा ये हमारी विश्व रेखा हो गई जीरो डिग्री रेखा हो गई जीरो डिग्री ये हो गया उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध ठीक है और अगर इसको कुछ इस टाइप से डिवाइड करें तो हमारा इंडिया मैंने हाफ मैप भी बनाया हुआ है हमारा इंडिया कुछ इस लोकेशन पे पड़ता है इंडिया हमारा कुछ इस लोकेशन पे पड़ता है ये हमारी बीचों बीच डिवाइड कर दी जो जीरो डिग्री विश्वत रेखा कही गई और इसको हमने इमेजनरी ये देशांतर रेखाएं कही जाएंगी आगे डिस्कस करेंगे ये हमारी इमेजनरी लाइन हो गई देशांतर रेखा की इसके राइट साइड में मतलब अगर देखा जाए तो ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण वेस्ट ईस्ट तो ईस्ट साइड में हमारा इंडिया पूर्वी में और उत्तरी गोलार्थ ये उत्तरी गोलार्थ हो या दक्षिणी गोलार्थ तो हमारे इंडिया की लोकेशन कहाँ क्या है उत्तरी गोलार्थ में पूर्वी गोलार्थ में है क्लियर हो गया आइए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड मैप अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में बिल्कुल मैप से समझेंगे दोस्तों मैप से पढ़ेंगे बिल्कुल भी कभी भूलेगा नहीं है रटने की ज़रूरत नहीं है आपको मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगा जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता उसे भी क्लियर होगा जिसको आता है उसके लिए रिविजन हो जाएगा देखते हैं आगे ये हमारा वर्ल्ड मैप है वर्ल्ड मैप में इंडिया की लोकेशन कुछ इस टाइप की है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका ये साउथ अमेरिका ये अफ्रीका ये यूरोप ये एशिया ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारा वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया कुछ यहाँ पे पड़ता है आगे नेक्स्ट लाइन में देखते हैं पृथ्वी को जो डिवाइड किया हमारे साइंटिस्टों ने वो जीरो डिग्री या अक्षांश रेखाएं हुई या अक्षांश रेखाएं हैं है। अब अक्षांश रेखाओं को अगर देखा जाए आप देखते रहिए समझते रहिए जब नोट करने की बारी आएगी तो मैं बता भी दूंगा नोट करना है और अगर नहीं भी आप नोट करते हैं तो मैं लास्ट में पी दे दूंगा पी या एक स्लाइड और बना बनाऊँगा इसकी नोट करा दूंगा जितने भी मेन मेन लाइनें हैं वो मैं फिर से लास्ट में आपको स्लाइड लिखवा दूंगा देखिए ये हमारी हुई विषुवत रेखा विषुवत रेखा हुई ये वाली जो बीचों-बीच से जा रही है विषुवत रेखा के ऊपर एक-एक डिग्री पर एक-एक अक्षांश -एक रेखाएं खींच दी गई टोटल हमारी उत्तरी यहाँ ध्रुवों तक ये उत्तरी ध्रुव है ये दक्षिणी ध्रुव है यहां तक पहुंचते-पहुंचते टोटल -पहुंचते 90 अक्षांश रेखाएं हो गई 90 अक्षांश ऊपर हो गई अब जीरो डिग्री से नीचे भी नाइन्टी अक्षांश रेखाएं खींची गई तो जीरो डिग्री से नीचे हो गई नाइन्टी अक्षांश रेखाएं अब अक्षांश रेखाओं को टोटल कैलकुलेट किया जाए तो नाइन्टी ऊपर नाइन्टी नीचे और एक रेखा तो टोटल कितनी हो गई एक सौ अस्सी विस्वत रेखाएं क्या नाम है अपना अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं हो गई टोटल वन एट्टी प्लस वन एक हमारी विस्वत रेखा भी तो है तो टोटल अच्छा रेखाएं कितनी हो गई वन एट्टी वन ये तो पृथ्वी को अच्छा रेखाओं में डिवाइड किया यही हमारी पृथ्वी को हमारी यही हमारी पृथ्वी को उससे भी डिवाइड किया देशांतर रेखाएं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं देशांतर रेखाओं को क्या किया कि कुछ इस टाइप से डिवाइड किया कि हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची गई और टोटल ये एक बॉल की तरह एज्यूम कर लीजिए बॉल की तरह एज्यूम कर लीजिए ये हमारी जीरो डिग्री है जीरो डिग्री है ये वाली और जीरो डिग्री से लेफ्ट साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं पड़ी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हमारी हुई ये हमारी हो गई हैं अच्छा रेखा है टोटल वन एट्टी लेफ्ट राइट साइड में वन एट्टी और लेफ्ट साइड में भी वन एट्टी ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं नंबर ऑफ देशांतर रेखाएं कितनी है हमारी वन एट्टी लेफ्ट साइड में वन एट्टी तो जो राइट साइड में देशांतर रेखाएं पड़ी उन्हें कहा गया पूर्वी देशांतर रेखाएं उन्हें कहा गया पूर्वी देशांतर रेखाएं और राइट right साइड में जो पड़ी उन्हें कहा गया हमारी पश्चिमी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई राइट साइड में वन एट्टी और लेफ्ट साइड में वन एट्टी टोटल हो गई हमारी थ्री सिक्सटी ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं अब कुछ इनका मिला जुला वो देख लेते हैं कि Osionfish. कैसे ये लोकेट करी गई ये है हमारा इनका थोड़ा इसे छोटा कर देते हैं हाँ ये हो गया हमारा देशांतर रेखा मैप कुछ लोड करते हैं इसमें स्लाइड उल्टी हो गई है तो देखते हैं ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप हमारी पृथ्वी कुछ इस टाइप की है ये रेड वाली हो गई देशांतर रेखाएँ रेड वाली हो गई हमारी देशांतर रेखाएँ और ब्लैक वाली हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं और ये जो ज़ीरो डिग्री हमारी देशांतर रेखा थी जीरो डिग्री देशांतर रेखा ये हमारी लंदन के ग्रीनविच से पास हुई लंदन का ग्रीनविच शहर है जहाँ से हमारी जीरो डिग्री ये साइंटिस्टों ने एज्यूम किया था लंदन के ग्रीनविच शहर से ये वही लंदन है जहाँ इंग्लैंड जिसको बोलते हैं जो हमारे ऊपर राज करने के लिए आए थे और काफ़ी इन्होंने हमारे ऊपर राज किया था तो ये इनकी एक सिटी ग्रीनविच से हमारा देशांतर जीरो डिग्री पास हुआ अब जीरो डिग्री से राइट साइड में वन टू थ्री फोर करते करते हमारे देशांतर रेखाएं हमारी इंडिया की तरफ बढ़ी इंडिया की इंडिया की तरफ तो आइए हम अगली साइड में देखते हैं कि इंडिया को कैसे लोकेट किया इंडिया को हमारा कुछ ऐसे लोकेट किया देखिए इंडिया को कैसे लोकेट किया गया जो देशांतर रेखाएं ये खींची गई हैं ये सब जो इंडिया को टच करती हुई देशांतर रेखा निकली अब ये देखिए ये तो विस्वत रेखा हो गई विस्वत रेखा से ऊपर है तो उत्तरी गोलार्थ में हमारा इंडिया है और जीरो से राइट की देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा बोला गया तो यहाँ से जीरो से राइट साइड की जितनी भी देशांतर रेखाएँ हैं ये यह यहाँ पर हमारा ग्रीनविच शहर है जीरो डिग्री देशांतर यहाँ से राइट साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं मिली इनको कहा गया पूर्वी देशांतर रेखाएं तो जो हमारे इंडिया को टच करती हुई निकली आइए इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं जो इंडिया को टच करती हुई निकली वो देशांतर रेखा थी हमारी सिक्सटी एट पॉइंट सेवन पूर्वी सिक्सटी एट पॉइंट सेवन पूर्वी और ऐसे खींचते खींचते सिक्सटी एट पॉइंट अब ये देखिए ये जो जीरो डिग्री वन डिग्री के गैप में खींची गई है इसके बीच में भी पॉइंट में भी लाइनें खींची गई हैं ऐसा नहीं है कि पॉइंट में लाइनें नहीं खींची गई पॉइंट में लाइनें खींची गई तो हमारी इंडिया के पास जब आया तो हमारी इंडिया ने भी इंडिया के मैप को इसने टच किया सिक्सटी एट पॉइंट सेवन पे ऐसे करते करते जब हम आगे बढ़े आगे बढ़े तो जो ये वाला पोर्शन था इंडिया को टच करता हुआ निकला ये लाइन थोड़ी सी कम क्लियर है इसे मैंने पेन से ड्रॉ कर दिया था तो यहाँ ये जो है लाइन जो खींची गई ये वाली लाइन हमारी नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव पूर्वी कही गई पूर्वी इसलिए कही गई क्योंकि जीरो डिग्री देशांतर रेखा से राइट साइड में जितनी भी देशांतर रेखाएं आई वन एट्टी उसे पूर्वी और जीरो डिग्री से लेफ्ट साइड में जितनी देशांतर रेखाएं आई टोटल वन एट्टी इन्हें कहा गया पश्चिमी देशांतर रेखाएँ तो टोटल देशांतर रेखाएँ वन एट्टी हुई तो ये हुआ हुआ हमारा भारत का पूर्वी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार क्या हुआ सिक्सटी एट पॉइंट सेवन पूर्वी से लेके 97.25 पूर्वी तक अब देखिए ये डिजिट है डिजिट तो हमें याद करनी पड़ेगी डिजिट दो बार चार बार पढ़ेंगे तो माइंड में हो जाएगा ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूर्वी क्यों कहते हैं इन्हें पूर्वी इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीरो डिग्री से राइट साइड की सारी दिशा को पूर्वी कहते हैं तो ये जो लाइन गई उसे सिक्सटी एट पॉइंट सेवन पूर्वी और इसे नाइन्टी सेवन पॉइंट एट पूर्वी सेम टाइप से हम ये देख लेते हैं कि जो ऊपर और नीचे लाइनें टच की इंडिया को उसकी कैसी पोजीशन रही अब देखिए ये अक्षांश रेखा है हमारी ये अक्षांश रेखा हो गई ये रेखा जो गई वो भारत को टच करती हुई ये एट पॉइंट फोर हुई अब जैसे ये जीरो विस्वत रेखा है इसके बीच में भी एक एक लाइनें खींची गई कई लाइनें खींची गई यहां पे तो यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा एट पॉइंट फोर मान लीजिए होता है एट पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर पे गया ऐसे कई लाइनें यहाँ पे भी आई तो एट पॉइंट फोर वाली जो लाइन है वो भारत को नीचे कन्याकुमारी में टच की और ऊपर जे एंड के सीज पोर्सन से जो टच किया वो हमारा है थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स उत्तरी उत्तरी इसलिए बोला क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है पूरा हमारा इंडिया भाई ये पृथ्वी को दो दो भागों में डिवाइड किया इसे विस्वतरे रेखा जीरो डिग्री बोला गया इसके नीचे को दक्षिणी मतलब दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर को उत्तरी गोलार्ध तो उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसे इतने डिग्री उत्तरी से इतने डिग्री उत्तरी और इतने डिग्री पूर्व से इतने डिग्री पूर्व ये हुआ हमारे इंडिया का लोकेशन एग्जैक्ट इंडिया का लोकेशन यही है ठीक है दोस्तों आइए आगे, आगे बढ़ते हैं ये है हमारा इंडिया आप था ये थोड़ा इंडिया के बारे में जान लेते हैं कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि अभी हमने देखा यहाँ से जो लाइन क्रॉस कर रही थी और यहां से जो लाइन क्रॉस कर रही थी इंडिया को टच करती हुई जो जा रही थी ये वाली लाइन थी हमारी नाइन्टी सेवन पॉइंट यहां लिख देता हूँ नाइन्टी सेवन पॉइंट टू फाइव और यह वाली लाइन जो टच कर रही थी इंडिया को यह है सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन अब अगर हम इन रेखाओं को डिवाइड करें डिवाइड कर भाई यहाँ सिक्सटी सिक्सटी एट सिक्सटी एट पॉइंट सेवन सॉरी मैंने सिक्सटी सेवन लिख दिया सिक्सटी एट पॉइंट अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक जाएँ तो टोटल कितनी देशांतर देशांतर देशांतरेखाएँ पड़ी मतलब कितनी लाइनों लाइने यहाँ से गुजरी इस टाइप वाली जो देशांतर रेखाएँ थी इक्वल डिवीजन पे टोटल नंबर ऑफ़ देशांतर रेखाएँ कितनी हो गई टोटल नंबर ऑफ़ देशांतर रेखाएँ हो गई लगभग लगभग थर्टी बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बार समझ लेंगे कभी नहीं भूलेगा टोटल थर्टी देशांतर रेखाएँ यहाँ से गुजरी अब ये जो टोटल थर्टी देशांतर रेखाएं गुजरी ये हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है कुछ इस टाइप से ये वाला पोर्शन इधर रहता है कुछ ऐसे घूमती है है ना कुछ इस टाइप से घूमती है थोड़ा इसे मोटा कर लेते हैं कुछ इस टाइप से घूमती है है ना यहाँ पे होता है हमारा सन ये हो गया सन अब दोस्तों इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आइए स्टार्ट करते हैं देखिए यहां पे हमारी जो तो, टोटल थर्टी दिशांतर रेखाएं गई टोटल थर्टी देशांतर रेखाएं टोटल थर्टी हुई थी थर्टी देशांतर रेखाएं हमारा एक दिशांतर रेखाओं रेखा को गुजरने में पहले हम देख लेते हैं पृथ्वी तो चौबीस घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है चौबीस घंटे में इंडिया में दिन और रात होता है, है ना चौबीस घंटे में भाई दिन और रात चौबीस घंटे में होता है